राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 की तारीख तय होने के बाद जहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, वहीं माउंट की वादियों से वादों की बमबारी और नेताओं की आवाजाही से सूबे के सबसे ठंडे जिले को भी गर्मा दिया है। चुनाव में आपकी आवाज, आज बात राजस्थान के सिरोही विधानसभा क्षेत्र की। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि सिरोही की जनता ने कब और किसे चुना। क्या आपके शहर में है ऐसा कोई नेता जो आपकी तकलीफ को समझ सके? है आपको उम्मीद किसी ऐसे युवा चेहरे से जो कल आपकी तस्वीर बदल सके? हमने लोगों से पूछा कि आपके क्षेत्र की मुख्य समस्याएं क्या हैं। हमने दूसरा सवाल उनसे ये किया कि क्या आप किसी युवा पे भरोसा करेंगे। हमने विधानसभा क्षेत्र में ये जानने की भी कोशिश की मतदाताओं से कि उनके जहन में किन युवाओं के नाम चल रहे हैं। लीजिए सुनिए क्या कहा लोगों ने। जनता का मूड तो सर 50-50 है, पर ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी। कांग्रेस से तो पता नहीं है, पर बीजेपी में तो युवा है, जैसे पायल परशुराम है वो युवा ही है, उनको भी टिकट मिलना चाहिए। राजस्थान विधानसभा चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद जहां चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, लेकिन राजस्थान की सिरोही विधानसभा क्षेत्र का ये एक बड़ा गांव है पोसालिहा, जहां पर गलियां आज भी सूनी हैं। लोग बताते हैं कि यहां के अधिकतर लोग इस गांव से बाहर देसावर में अपने काम धंधों के लिहाज से जाते हैं, ऐसे में गांव की गलियां सूनी हैं। इस गांव के एक व्यक्ति हमारे साथ खड़े हैं और वो हमें बता रहे हैं कि क्यों यहां की गलियां सूनी हैं। एक बात बताइए कि ये सारे मकान हम देख रहे हैं पीछे आपके, इतने सारे ये खाली बंद पड़े हैं, ऐसा क्यों? ये बस सब बाहर, वो बाहर कमाते हैं और वो सब वहीं रहते हैं और बाहर सब रहते हैं यहाँ। तो ये जो लोग बाहर रहते हैं वो कभी गांव में आते आते हैं ना, त्यौहार होता है जब आ जाए। अच्छा, तभी जब चुनाव आ रहे हैं तो क्या वोट डालने आएंगे या नहीं? वो आते हैं। अब देखो यही है, यहाँ के लोग बाहर बिजनेस है उनका, यहाँ पे पहला माँ बाप का मतलब ये गांव था, अभी वो बाहर कमाने लग गए तो वहाँ पे चले गए, वहीं फ्लैट ले लिया, मकान ले लिया, बच्चे लोग भी वहीं रहते हैं, वहीं शादी वादी करके, कभी फंक्शन होता है, मेला होता है, कोई चुनाव होते हैं, कोई ब्याह शादी होती है तो यहाँ आते हैं। चलिए, आपके यहाँ दो बड़े नेताओं के नाम बताइए। यहाँ पे एक तो ओटाराम देवासी और एक और संयम लोढ़ा। कि गाँव की तीन बड़ी समस्याएं, आपको क्या लगता है कि मेरे गाँव में ये तीन चीज़ें होनी चाहिए? यहाँ तो देखो कुल मिला के सारी चीज़ सही है, रोड है, पानी है, लाइट है, बस यही ज़्यादा करके ये चीज़ है, और मतलब बसों की इनकी सारी सुविधा है, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक तौर पर किस तरह की हवा है? हवा दोनों तरफ से चल रही है और अभी लोगों के सामने हमारे विधानसभा क्षेत्र को लेकर के कोई विकल्प नहीं है। दोनों जो दावेदार है वो अपने आप में सशक्त है। क्या लगता है राजनीति में युवा पीढ़ी को आना चाहिए? युवा पीढ़ी को जरूर आना चाहिए आगे, और शिक्षित और युवा पीढ़ी आगे आएगी तो उसकी सोच में बदलाव आएगा, नई थिंकिंग होगी,
नई विचारधारा होगी और नई सोच के साथ में वो काम करेंगे। पायल परशुराम पुरिया है जो जिला प्रमुख है अभी, उन्होंने भी राजनीतिक क्षेत्र में पारिवारिक राजनीति इमेज को लेकर के प्रवेश किया और अपने कार्यकाल में अच्छा काम करने का प्रयास किया। तो अगर विकल्प के रूप में उनके बाद में अगर कोई गणित बैठती है तो उनकी बैठती है। कांग्रेस में बात करें तो कांग्रेस में विपक्ष को अगर जिंदा रखा है किसी ने तो श्री संयम जी को जाएगा। तीसरी बार में कांटे की टक्कर होगी। आपको क्या लगता है आपके क्षेत्र में? मतलब तेज तो है वो सीएम लोडा, ये भोपाल जी सीधा है, बीजेपी में तो भोपाल सब है, कोई नहीं जीते टक्कर कुछ ले, बाकी लूबा राम नहीं लेगा न चौधरी लेगा, कोई नहीं ले सकता उसके। सीएम लोडा के सामने सिर्फ भोपाल जी है, ये उठा राम जी बाकी नहीं है। भोपाल जी भी है सीधे साधे, पायल परशुराम पुरी आ रही है, नारायण पुरोहित आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? अरे इधर आओ, हाथ नीचे रखो। क्या नाम है आपका? पकड़ा राम। क्या करते हो आप? गेड़ा सारता है। अच्छा, रेवट चलाते हो आप। कितनी भेड़े हैं? हर चित्र है। वोट देते हो? हाँ, वोट तो हम साथ देने पड़ा क्या? राजस्थान में वोट आने वाले आपको पता है? हाँ वो सा पता है। हाँ कब है? पता कि नहीं साहब। अच्छा, इस बार अपन को किसकी सरकार बननी है राजस्थान? वो तो मालिक जोड़ा सा। तो भी आपका क्या लगता है कैसे? वो तो हम साहब मालिक जोड़ा सा। हाँ बनना तो हम ऊपर वाला जोड़ा साहब। नहीं नहीं आप बताओ ना। ना सुनो मेरी बात तो सुनो। हमारे यहाँ तो नोटा का माहौल है, हम तो नोटा में देंगे। बीजेपी को भरोसा करके बीजेपी को वोट दिया लेकिन मिला क्या? बीजेपी में तो हमारे भाजपा में तो शुरू से पायल परशुरामपुरी, अगर ओटा राम जी को टिकट नहीं मिलता है तो पायल परशुरामपुरी पहला नंबर है। अच्छा। और दोनों के अलावा अगर तीसरे को किसी को टिकट मिल गया तो कांग्रेस में संयम जी बढ़िया है। मसीहा थे विनोद जी परशुरामपुरी जो अभी हमारे जिला प्रमुख है वर्तमान में, इनके ससुर जी थे, वो बढ़िया सेवाभावी आदमी थे, वो उनसे कोई राजनीतिक वो भावना वाली बात नहीं थी, वो ऐसा भी नहीं समझते थे ये कांग्रेस का है ये बीजेपी का, ऐसा नहीं समझते थे। जो सीएम बदले हैं तो थोड़ा ये वसुंधरा से पूरा राजस्थान नाराज है, उन्होंने कुछ 5 साल में लोगों का कोई ना अधिकारी सुनते ना कोई सुनते, रिश्वत यूँ की यूँ लगती है, लोग कोई काम होते नहीं, दुखी है। तो वसुंधरा जी की सर्विस चेंज कर देवे ना, इनकी जगह कोई दूसरा कर देवे ना तो शायद माहौल बन सकता है। कांग्रेस में तो अभी कोई हमारे यहाँ तो स्थिति खराब है, अगर सीएम जी आएगा तो भी मेरे ख्याल से तो नहीं जीत सकते, ये बीजेपी से और कांग्रेस से तो अभी कोई दिखता नहीं है, यही है सीएम जी। आप इतना नाराज क्यों है सरकार? एक तो काम नहीं होता लोगों का, और जो जहाँ जाते हैं वहाँ रिश्वत तो यूँ यूँ लगती है। कि थोड़ा माहौल जब सत्ता में है अभी सत्ता उसकी विरोधी लग रहा है ऐसा, जो नाराजगी देखा जाए तो ठीक ही है। लोग ये कहते हैं कि अभी इसने हमारे साथ न्याय नहीं किया, ऐसा नहीं किया, जबकि देखा जाए तो इसने सब कुछ किया है। जैसे मान लो सीएम जी खड़े होते हैं कांग्रेस से तो बिल्कुल उपयुक्त और सही व्यक्ति है, इसी तरह से उठाराम जी है तो वो भी इतने ओल्ड है नहीं, इसलिए ये युवा जैसी स्थिति है। कोई पायल पुरिया क्यों पायल परशुराम पुरिया जिला प्रमुख है, उसके काम से भी लोग तो संतुष्ट ठीक ही है। अब बीजेपी में तो उठाराम जी है ही है, उनका विकल्प कौन है? और तो होगा लेकिन इनके मुकाबले नहीं। अभी कांग्रेस में तो है जो है ही है, संयम लोढ़ा बोल्ड है, अभी युवा भी है, इतना कोई बुढ़ा नहीं है, 50 साल के अंदर ही है, और इसमें भोपा जी भी है और पायल परशुरामपुरिया लेडीज भी है और प्रमुख भी है, वो उसका विकल्प बन भी सकती है। ऐसा है सर, विधानसभा क्षेत्र में ओटाराम जी भी बुरे आदमी नहीं है, बहुत ही अच्छे आदमी है, इसमें कोई फर्क नहीं है, वो किसी को नाराज नहीं करते और इन्होंने काम भी करवाए, ऐसी बात नहीं करवाए। रही बात एजुकेशन शिक्षा का हिसाब देखे तो कंपेयर करने जाओ तो संयम जी तो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिज्ञ भी है, लेकिन ये भी इतने ख़राब नहीं है। अभी जैसे फसल अनुदान आया था तो उसमें आधों को मिला आधों को नहीं मिला, इस बात को लेकर भी नाराजगी है लोगों में। वादे पर काम नहीं किया इन्होंने, जैसे नर्मदा लाने का कहा था, नर्मदा लाई नहीं इन्होंने, 15 लाख लोगों को रोजगार देने का कहा था वो भी नहीं दिया इन्होंने, मतलब सब जगह से ही विफल है। रोजगार तो बिल्कुल कहाँ दिया इन्होंने, 15 लाख का वादा, अशोक जी गहलोत ने कहा था 5 लाख का, महारानी ने कह दिया 15 लाख, 15 लाख देना किसको, दिए तो है नहीं किसी को। ये इस प्रकार की जो बातें ये अखबारों में चलती है और लास्ट टाइम पे जो जीतता है उसको देते। अरे यार भले ही कौन है, मुख्यमंत्री कहो या कोई भी कौन, इनका चलता थोड़ा ही है, आखिरी जब समय आता है ना तो वो अमित शाह कहेगा नहीं दे दो, अगर इसने अच्छे पैसे फेंके तो इसको मिल जाएगा। तो आप ये मानते हैं टिकट पैसों से देते हैं? टिकट पैसों से बिकता है ये धारणा बन चुकी है? ये धारणा नहीं, ये वाकई होता, हर ठिकाने पर सुनते हैं।
वहाँ उसने इतने दिए, वहाँ उसने इतने दिए, वहाँ उसने इतने दिए, टिकट लेके आ गए। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये तो झूठी बातें हैं। वो तो 15 लाख के तुम्हारे खाते में आ जाएंगे, जो इनके खाते में एक आए, बाकी किसी के खाते में आ जाएंगे। चुनाव आने वाले हैं, पता है आपको? हाँ जी, 7 दिसंबर को चुनाव है ना। क्या लग रहा है, क्या माहौल है आपके इधर? माहौल क्या, अभी कोई चेंजिंग का माहौल है अभी तो। क्या चीज, सरकार बदलने का माहौल है? हाँ, सरकार बदलने का माहौल है अभी तो। आपके यहाँ पर बात करूँ मैं सिरोही विधानसभा में, तो आपको क्या लगता है कि कौन चेहरा होगा दोनों ही तरफ की पार्टियों में, कांग्रेस और बीजेपी में? आपको क्या लगता है, आपके दिमाग में जो नाम है वो बताओ। हमारे दिमाग में तो यहाँ कांग्रेस से है स्वयं जी और बीजेपी से ओटाराम जी है। क्या लग रहा है किस बार, इस बार राजस्थान में क्या मूड है? ऐसी सरकार आप चाहती है कि बीजेपी आए तो अच्छा हो जाए? बीजेपी तो है ही राजस्थान में, वापस बीजेपी आए तो सही, थोड़ा बहुत हो जाए। तो आपके यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा? ओटाराम जी आए तो सही है, थोड़ी बहुत तरक्की हो जाएगी सिरोही जिले। माहौल तो वही बीजेपी का ही है ज्यादा, छोधाम में तो अभी इधर तो वही भोपा जी है। माहौल में ऐसा है कि मोदी के सिवाय कोई आने वाला नहीं है, मोदी आएगा 110% मेरी गारंटी। और बोलो आपके यहाँ पे क्या होगा? आपके यहाँ भी बीजेपी सरकारी है, कोई भी होगा लेकिन सरकार बीजेपी की होगी। गवर्नमेंट कर्मचारियों का आंदोलन है ना, यही भाजपा को ले डूबेगा। सिर्फ सेन लोड़ा ही आएगा और कोई नहीं आएगा। घोषणा की है कि भाई वो काम करवाएंगे, वो काम करेंगे, हमारा तो एक भी काम नहीं हुआ है, कहते रहते हैं लेकिन काम एक भी नहीं होता है, ना तो काश्तकारों का कोई काम होता है। हमारे 3 पारियों में बिजली आती है, रात को 1:30 बजे बिजली देते हैं, काश्तकार वहाँ बैठता है क्या, कौन सुनता है? सुबह कम से कम हमको 2 टाइम के अंदर बिजली चाहिए दिन के अंदर, तो काश्तकार सही टाइम से वो उसका पिला सके। रात को 1:30 बजे बिजली देते हैं, ये 3 पारी कहीं भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है जो हमारे यहाँ बल्ली फिल्टर के ऊपर चल रहा है। और मंत्री जी को भी कहा, सबको भी कहा है, इनको साहब को, कलेक्टर साहब को, सबको कह दिया है, लेकिन कोई सुनने वाला भी नहीं है। अब टिकट की दावेदारी है तो भोपाल जी भी कर रहे हैं टिकट की दावेदारी, लोबाराम जी भी कर रहे हैं, पायल जी भी कर रहे हैं, लेकिन जनता का मूड है जो भी विकास करेगा वो पायल को टिकट मिलेगा तो ये बीजेपी की सीट बरकरार रहेगी। वो तो वो है कि सरकार हाउस काम की दो, सब बेन सब कचरो हसरो सब निकालियो, रोड बनियो है, सीसी रोड बनिया है, कोई भी योजना काटी है तो कुआ माता बोदिया बदाविया होदा बीजा, जो योजना निरी है तो निरी से अपने वास्ते, कोई फसल खराब हुआ तो किसानों वास्ते सरकार मदद की दी है, अपना बढ़िया नहीं तो अपना तो रह रहे नरेंद्र मोदी रेडिए बारदा ओटाराम भोपा जी महिला लिया तो की तो है सर हावरेस की दुआ का, कोई भी खाता में बिया घाले रही है महिला वास्ते, कोई भी हर चीज हावरेस की दुआ। देखो कि अभी किसान बता रहे हैं कि पहले मतलब गवर्नमेंट जो थी उसमें कोई टैक्स नहीं था काश्तकारों के फवारे पाइप पे, अभी गवर्नमेंट ने 18% उस पर टैक्स लगा दिया है। सोलर सेट पे जो 5% वेट था, जीएसटी था, वेट था पहले, उसका 18% कर लिया है, उससे रेट में काश्तकारों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। अकाल की स्थिति तो खूब डेंजर स्थिति है यहाँ पर, मतलब किसी के कोई पका नहीं है, काश्तकार खूब परेशान है। बिक्री पे मतलब गिन लो सर, अगले साल से मतलब 50% भी बिक्री नहीं है, लगभग 40% 40% बिक्री है। कुल सरकार को लेकर काफ़ी गुच्छा है, जीएसटी उसने जैसे काश्तकार पहले अपन ने जीएसटी नहीं था फवारे पाइप पे, क्लिप पे, फवारा इक्विपमेंट पे, उसका 18% कर लिया है, उससे रेट में बढ़ोतरी हुई, सोलर सेट पे 5 का 18 कर लिया, काश्तकार गुच्छे में ही है, सरकार पलटे गई है। कांग्रेस के लिए तो सही हम लोडा ही ठीक है, भाजपा में तो ओटाराम जी ठीक रहेंगे, भोपा जी है, ओटाराम जी के बाद में लुम्बाराम चौधरी है, पायल परसराम पुरिया है, नारायण जी पुरोहित है। इन चेहरों में तो अभी दौड़ में तो बहुत जने हैं, पायल जी है, नारायण जी पुरोहित है, लुम्बाराम जी है, ओटाराम जी देवासी है, और कांग्रेस से है सीएम जी लोढ़ा साहब है सबसे नंबर पहले। तो टक्कर तो कड़ी है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, मगर लोगों के अंदर आफ्टर ऑल में ये भावना है कि बीजेपी को ही लाना है। तो इस बार जो यहाँ गौरव यात्रा आई थी, मैं सामने पेड़ पे देख रहा हूँ लोगों ने तो वहाँ सरकार को पेड़ पे टांग दिया है, जी जी। तो क्या आपका क्या इरादा, ऐसे ही टांग देगी सरकार? सरकार ऐसे ही टांग रही है हमको भी, बस वादे कर रही है, उनको पूरा नहीं कर रही है। युवाओं को कह रही थी कि उनके सरकारी नौकरी देगी, लेकिन बीच में अभी बहुत केस चल रहे हैं, कोर्ट में हो रहा है,
सरकार भर्ती निकाल रही है लेकिन बीच में अटक रही है, पूरी नहीं कर पा रही भर्ती। देखिए कितनी स्पष्ट सी बात इस युवा ने कही है कि हमने हमारे गांव के एक नीम के पेड़ पे सरकार को टांग दिया है। ठीक उसी तरह से टांग दिया जिस तरह से सरकार ने हमें झूठे वादे करके युवाओं को टांग दिया है। खास बात यह है कि इस गांव में जो पहली बार मतदान कर रहा है उसको भी इस बात की समझ है कि इस बार सरकार के खिलाफ उसका जो गुस्सा है वो चाहते हैं कि अपना गुस्सा अपने मतदान के साथ ही वो व्यक्त कर दे। वोट तो कहीं अला हाँ ठीक है। आपकी वोट देना है? वोट तो दे ही इसके। अच्छा किने देना है? मैं जन लगा रही हूँ जितना देंगे मोर अच्छे काम करिए जितना देंगे। सिरोही में अब आपका नेता कौन है? सिरोही में कौन है? कौन है नेता? बोबो जी। बोबो जी कहाँ की? सरकार ने कोई काम किया आपके लिए? कहाँ कोई की दुकान? हाँ पेमेंट ओसो आवे रही। हाँ मैं तो वन्नी बात कर रहा हूँ। अच्छा हाँ रुपया दे ता पूरा परा मना यो हाँ बता दे ता खंडो मारा अत्री भूई आलें जा सिरोही विधानसभा क्षेत्र का ये सिरोही शहर का सरजावा दरवाजा सबसे चर्चित दरवाजा है और इस दरवाजे पर इन नैनजी के पान की दुकान राजनीति के चर्चाओं का सबसे बड़ा केंद्र ये पान की दुकान। आज हम नैनजी को ही अपने साथ रखें और पूछते हैं कि इनके गले पर चर्चाएं क्या होती हैं। एक बात बताइए राजनीति आपके पास लोग पान खाने आते हैं करते हैं क्या चर्चाएं करते हैं राजनीति पर? जो पहले वसुंधरा जी का जो मतलब थे मतलब लोगों के मोदी लहर के अंदर वो अभी नहीं है वसुंधरा जी का। सिरोही को क्या दिया है? आजकल पानी की परेशानी है यहाँ पे 3200 भले कहते हैं कि नर्मदा नहर लाएंगे फिर कहते हैं 3200 नाला लाएंगे अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है उसकी। तो क्या आपका इरादा क्या है इस बार सत्ता परिवर्तन का इरादा है? बिल्कुल सत्ता परिवर्तन का इरादा है। क्या लगता है कौन ऐसा चेहरा होगा जो इस वक्त अब सिरोही का प्रतिनिधित्व करेगा? क्या लगता है आपको? सिरोही का प्रतिनिधित्व संयम लोढ़ा करेगा। अभी तो सिरोही की जो समस्याएं हैं पिछले 10 साल से जो भाजपा के विधायक हैं वो कहीं कहीं उसको सॉल्व कर पाए? हाँ हमारे जनप्रतिनिधि सभी के सहयोगी रहे हैं, समय समय पर मिलते रहे हैं, किसी भी कोई भी समस्या रही है तो उनके निराकरण के लिए हमेशा तत्पर रहे। व्यक्तिगत समस्याएं छोड़ दीजिए शहर के विकास के लिए कुछ हुआ है तो वो बताएं। शहर के विकास के लिए भी आज चारों तरफ आप देख सकते हैं रोडें वगैरह सभी कुछ आज सिरोही एक विकास के पथ पर अग्रसर है। क्या लगता है तो आपको लगता है कि जो प्रदेश में मौजूदा सरकार है वो सरकार रहनी चाहिए, वो सरकार में कोई परिवर्तन का इरादा है आपका? निश्चित रूप से पहली बार ऐसी स्थिति बनेगी कि हर 5 साल में सरकार बदलती है, इस बार यही सरकार रहेगी। इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना काम विकास और जो काम किया वो लेके जनता के सामने जाएंगी, ना कि झूठे आश्वासन और झूठे वादे, क्योंकि इन लोगों ने झूठे वादे और झूठे आश्वासन बहुत देख चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा ये ईमानदार है। कांग्रेस के पास न तो उसकी कोई नीतियां है न कांग्रेस का अपना संगठन है। एक व्यक्ति ने कह दिया इधर चलना है तो इधर चलेंगे, व्यक्ति ने कह दिया इधर चलना है तो इधर चलेंगे, उसकी अपनी कोई नीतियां नहीं है, कोई उनके सिद्धांत नहीं है। भाषणों से तो पेट भरता नहीं, अब लोग दबी जुबान से वो कह नहीं रहे हैं, समय आने पे इनको सब कुछ बता देंगे जो भी बताना है, क्योंकि अब अभी क्या है भाषणों से तो उनका पेट भरा नहीं। उन्होंने कहा 15 लाख दे देंगे ना वो दे देंगे ना खाते में आ जाएंगे ना तुम्हारा यूँ कर देंगे ना वो कर देंगे, कुछ होने वाला नहीं और हुआ भी नहीं इनसे। अभी लोग क्या है बस 2-4 हो जाते हैं तालियां पीट जाते हैं, ओ अब मौका आया है अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन जो वादे हुए हैं वादे यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हुए। जैसे नर्मदा का वादा हुआ उसकी जगह 3200 नाले की बात की गई, चलो उस पर भी लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन आज तक अभी तक 3200 नाले का एक पत्थर भी रखा नहीं गया है।